क्या आज से 1400 साल पहले मोबाइल या मैसेजेस होते थे? अगर हाँ तो सबूत पेश करें, अगर नहीं तो बताएं कि ये किस हदीस शरीफ में लिखा है कि ये मैसेज 10 लोगों तक सेंड करने पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये कहाँ से आपने सुन लिया कि 15 लोगों को मैसेज भेजने से मुराद पूरी होती है? ये किस किताब में आपने पढ़ लिया है कि किसी महीने की खबर देने से दोजक की आग हराम हो जाती है? अजीब अलमिया है कि टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है, जहालत उतनी